हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस एस माय टुडेस माई टॉपिक विच इज़ आई एम गोइंग टू टीच यू इज़ प्री मेचोरिटी प्री पे यहाँ पर जो है वो न्यू uh, नेट से रिलेटेड है न्यू बॉर्न से रिलेटेड है प्री मेच्योरिटी कब आती है जब एक न्यू बॉर्न जो बेबी है वो uh, अपना टर्म जो जेस्टेशन एज है उससे पहले डिलीवर अगर हो जाता है मीन्स बिफोर थर्टी सेवन वीक्स ऑफ जेस्टेशन कम्प्लीट करने से पहले अगर कोई बेबी डिलीवर होता है तो उसे हम बोलेंगे प्री टर्म बेबी या प्री मैच्योर न्यूबॉर्न तो प्री मैच्योर होने की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हैं जो लेटर ऑन बच्चे की लाइफ में आते हैं उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊँगी सो लेक्चर को कम्प्लीट सुने लास्ट तक इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करूँगी जो एग्ज़ाम प्रस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी नॉलेज होना चाहिए कि प्री टर्म डिलीवरी होने की वजह से जो बच्चे प्री मैच्योर डिलीवर हो जाते हैं उनके हमें कैसे लुकाफ्टर करना चाहिए कैसे उनकी केयर करनी चाहिए ताकि उन्हें लेटर ऑन उन लाइफ में ज्यादा कॉन्सिक्वेंसिस जो हैं वो उनको ना हो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्री मैच्योरिटी स्टार्ट विद द टॉपिक प्री मैचोरिटी वट इज प्री मैच्योरिटी प्री मैच्योरिटी क्या है A baby born before 37 weeks of pregnancy is considered premature. That is, meaning the baby is to be born before completing its maturity. Means जो बच्चे thirty seven weeks of gestational age achieve नहीं कर पाते हैं उससे पहले ही अगर वो deliver हो जाते हैं तो उस बच्चे को हम बोलते premature baby and that is known as pre maturity. स्लाइटली फ्यूअर दैन ट्वेल्व परसेंट ऑफ ऑल बेबीज़ आर प्री मेच्योर तो नीयर अबाउट जितना अगर हम ओवरऑल सेंसेस की बात करें तो ट्वेल्व परसेंट तक जो बच्चे हैं वो प्री मेचोरली डिलीवर हो जाते हैं ऑफ़ द बेबीज़ बॉर्न प्री टर्म एट्टी फोर परसेंट आर बॉर्न बिटवीन थर्टी टू एंड थर्टी सिक्स वीक्स ऑफ जस्टेशन सो फ्रॉम द टाइम ऑफ द कंसेप्शन से अगर हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो 84 परसेंट बच्चे जो हम आ, प्री टर्म जो डिलीवर हो रहे हैं प्री मेच्योर जो डिलीवर हो रहे हैं उसमें अगर उनका जेस्टेशनल एज देखा जाता है तो वो है हमारे पास थर्टी टू टू थर्टी सिक्स वीक एंड टेन परसेंट आर बोर्न बिटवीन ट्वेंटी एट एंड थर्टी वन वीक्स ऑफ जेस्टेशन सिक्स परसेंट आर बॉर्न एट लेस देन ट्वेंटी एट वीक्स ऑफ जेस्टेशन प्री कॉज लार्जेस्ट न्यू हॉस्पिटलाइजेशन अगर हम देखें न्यूनेट का पूरा सेंसिस कि वट आर द रीज़न कि न्यूनेट्स को हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो उसमें जो सबसे बड़ा जो रीज़न है दैट इज द प्री मेच्योरिटी ऑफ प्री फीटल कॉजिज हो सकते हैं जिसमें फीटल डिस्ट्रेस मल्टीपल प्रेगनेंसी है रेथ्रोब्लास्टोस फिटालस कंडीशन है नॉन इम्यून हाइड्रोप्स है या प्लेसेंटल डिसफंक्शन है प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शियो प्लेसेंटा की कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो है वो मदर जो है वो बेबी को बिफोर कंप्लीटिंग इट्स कंप्लीट जस्टेशन एज से पहले ही वो बेबी को डिलीवर कर देती हैं मेटरनल कॉजि क्या हो सकते हैं माल न्यूट्रिशनल अनेमिया टीन एज प्रेगनेंसी और मल्टीपेरिटी ट्विन प्रेगनेंसी प्री इलनेस विच इंक्लूड डायबिटीज रिनल डिजीज हार्ट डिजीज हाइपर टेंशन एंड इन्फेक्शन विच में इंक्लूड मलेरिया यून इन्फेक्शन कोरियो एमटिस लोअर सोशोकोनॉमिक स्टेटस स्मोकिंग और ड्रग अब्यूज़ एंड एलिजिटीमेट बर्थ वट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ़ प्री मैच्योर बर्थ अभी बच्चा जो है वो अपना कंप्लीट जस्टेशन एज नहीं करता है मीन्स आफ्टर थर्टी सेवन वीक्स अगर बच्चा डिलीवर होता है तो उसको हम कहते हैं टर्म बेबी बट वो प्री टर्म डिलीवर हो रहा है तो उसमें प्री मेच्योरिटी है उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो उसका नोटमी कल जो फीचर्स हैं जो फिजियोलॉजी है वो प्रॉपर्ली अभी अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ होता है वो अच्छे से फंक्शनिंग में नहीं आता है अगर बच्चा उससे पहले ही डिलीवर हो जाता है तो अभी उसके क्या कॉन्सिक्वेंसिस आएँगे प्रीमेचो बर्थ के इमेच्योरिटी ऑफ द लंग्स लीडिंग कॉज ऑफ़ द डेथ अमंग प्रीटर्म इन्फेंट अगर प्रीटर्म इन्फेंट का डेथ रेट अगर हम देखें तो उसमें जो लीडिंग कॉज है ऑन द टॉप ऑफ द मोस्ट उसमें जो आता है हमारे पास दैट इज़ द इमेचोरिटी ऑफ लंग्स एज वेल एज ऑफ देयर डाइजेस्टिव एंड इम्यून सिस्टम प्रीमेचो बेबीज हु आर ऑफ नॉर्मल साइज फॉर their जेस्टेशनल एज स्टैंड अ गुड चांस ऑफ कैचिंग अप विद फुल टर्म बेबीज सम टाइम्स क्या होता है कि बेबी का जेस्टेशनल एज तो कंप्लीट नहीं करता है अपना टर्म का बट उसका जो वेट होता है और जो बॉडी का जो ग्रोथ होता है जो वेट होती है वो सम नीर अराउंड थोड़ा उसका जेस्टेशनल एज से ज़्यादा होती है तो उनके चांसेस थोड़े अच्छे होते हैं कि वो फुल टर्म बेबीज के साथ अपना uh, जो ओवरऑल जो माइल हैं उनको अच्छे से अचीव कर सकते हैं However, some children born prematurely have problems with maintaining attention and with visual motor coordination when they are school age. नेक्स्ट इज द केयर ऑफ प्रीमेचोर बेबीज़ अभी प्रीमेचोर बेबीज डिलीवर हो गए हैं तो उनका केयर कैसे करना है फर्स्ट इज़ टू द मेंटेनिंग द टेम्परेचर टेम्परेचर को मेंटेन करना है बच्चे को जो है वो हाईपोथर में जाने नहीं देना है एंड मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है हार्ट एंड ब्रीदिंग रेट्स एंड ऑक्सीजन लेवल को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखना है गिविंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाय अ मास्क ऑफ विद द ब्रीदिंग मशीन इफ देर इज अ नीड एज आई एक्सप्लेन यू कि उसका लंग्स प्रॉपर्ली मैचोर नहीं होता है तो वहाँ पर उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को मेन्टेन करने में प्रॉब्लम आती है तो उसमें उसको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी मैकेनिकल वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ सकती है टू डू द वर्क ऑफ ब्रीदिंग फॉर द बेबी स्पेशल फीडिंग्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की फीडिंग हम करेंगे और फॉर्मूला समटाइम्स विद अ ट्यूब इन टू द स्टमक इफ अ बेबी कैन नॉट एबल टू सक अगर वो सकिंग अटैम्प्ट नहीं कर सकता है ब्रेस्ट फीडिंग को अटैम्प्ट नहीं कर सकता है, तब हम उसको जो है वो बाय एन जी टू फीडिंग के थ्रू हम उसको फीड कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क हैज मैनी एडवांटेजेस फॉर प्री मेच्योर बेबीज एज इट कंटेन्स इम्यूनिटीज फ्राम द मदर इन अ इम्पॉर्टेंट uh, न्यूट्रिएंट्स uh, होता है वो मदर के मिल्क से बेबी को मिलता है और ये सारा ब्रेस्ट मिल्क की इम्पॉर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाना है प्रॉपर पोजीशन टेक्निक्स रिफ्लैक्सिस ये सभी टॉपिक्स जो मैं ऑलरेडी अपने uh, चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ तो वो आप वहाँ से उनको सुन सकते हैं नेक्स्ट इज़ द डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर प्रीमेचोर बेबीज़ अभी प्रीमेचोर बेबी डिलीवर हुआ उनके क्या रीजंस थे वो हमने डिस्कस किया क्या उसका कॉन्सिक्वेंसिस आ सकते हैं उनकी लाइफ में वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की उनका केयर कैसे करनी है नेक्स्ट इज़ द डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है प्रीमेचोर बेबी का जब वो हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज करें तो वट इज़ द क्राइटेरिया तो ये नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्हें क्या चीज़ें माइंड में रखनी है एज़ हम बच्चे को अगर वहाँ से डिस्चार्ज करते हैं तो उस टाइम पर क्या चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है क्या चीज़ें पेरेंट्स को एजुकेट करनी है अ प्री इन्फेंट शुड बी टेकिंग फीड बाय निप्पल आई द बॉटल और ब्रेस्ट फीडिंग तो बच्चा जो है वो ट्यूब फीडिंग पे नहीं होना चाहिए आई वी फ्लूड्स पर नहीं होना चाहिए उसको जो है वो निप्पल पे फीडिंग पे बच्चे ने अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया है चाहे वो मदर से अटैम्प्ट करें या बॉटल फीडिंग पे है बेबी शुड बी गेनिंग वेट प्रॉपर्ली अबाउट टेन टू थर्टी ग्राम पर डे अगर उसका वेट गेन हो रहा है टेम्परेचर शुड बी स्टेबलाइज्ड इन एन ओपन कॉट एंड देर शुड बी नो रिसेंट एपिसोड ऑफ एपनिया और ब्रेडिकार्डिया इन द न्यू एंड देयर शुड बी नो प्री एंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं होना चाहिए एंड इट मे बी कन्वर्टेड टू द औरल डोजिंग अगर पेरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसका चल रहा होगा तो वो अभी औरल डोज पर आ जाना चाहिए मतलब उसको सिरप पे मेडिकेशन आ जानी चाहिए जो औरल रोड के थ्रू हम बच्चे को दे सकते हैं सो so दैट वो पेरेंट्स के लिए भी ईजी हो जाएगा उसको घर पर अच्छे से मेडिकेशन जो है वो प्रोसेस करवा सकते हैं और उनको हेल्थ एजुकेट करना है रिगार्डिंग कुछ भी डेंजर साइंस अगर बच्चे में उनको देखने को मिलते हैं तो वो फॉलोअप के लिए आ सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट माई टूड्स टॉपिक प्री मेच्योरिटी आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एस एस पी एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ थैंक यू